देखिए दोस्तों, हमारा लेंथ 31.5 इंच है और हमारा वेस्ट है 30 इंच और हिप है 34 इंच और लटक 19.5 इंच है और थाई हमारा 21.25 इंच है। हमारा नी का लंबाई जो है, जो घुटना होता है हमारा, उसका लंबाई 16.5 इंच पे है और राउंडिंग जो है तो 15.25 इंच राउंडिंग है हमारा। और इसके बाद बॉटम जो है 11 इंच है। ये नीचे हम जो है इलास्टिक रखेंगे, चून वाला रखेंगे जींस में। चलिए कटिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लंबाई का नाप लें। तो हम यहाँ से 1/2 इंच मार्क कर लें और इसके बाद हमारा बेल्ट रहेगा जो, तो 1.5 इंच तक रहेगा आसपास। जींस का जींस बन रहा है दोस्तों, जींस का कटिंग है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ से मार्क ले लिए हैं। लंबाई चलते हैं, हमारा लंबाई है 31.5 इंच, तो 31 इंच पे मार्क कर लिए 31.5 इंच पे। और इसके बाद 2 इंच मार्जिन, इसमें मार्जिन दोस्तों कम रहता है, इसमें हम मार्जिन कम रखेंगे, पैंट जैसा नहीं रखेंगे क्योंकि पतला मोड़ी रहता है, पतला फोल्ड करते हैं। और इसके बाद चलिए दोस्तों, हमारा नी घुटना है, घुटने का लंबाई 16.5 इंच पे है तो हम इस पर मार्क कर लिए हैं। और इसके बाद हमारा थाई है 21.25 इंच, और इसके बाद 21.25 इंच का 21.25 इंच है। और हमारा नी है जो, ये 15.5 इंच है, एक राउंडिंग है दोस्तों। और इसके बाद हमारा मोहरी 11 इंच का है। और इसके बाद हमारा जो लटक है, लटक हमारा 19.5 इंच है दोस्तों। तो हम इसको 19 इंच है तो हमारा 19.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 10.25 पे। तो इसका हम पीछे करेंगे, इंच में लाएंगे तो हमारा 19.5 इंच यहाँ पे आया है, देखिए 19.5 इंच पे रख दिए। जो लटक काटेंगे हम दोस्तों तो इंच में काटेंगे, इंच में काटेंगे तो भी अच्छा रहेगा, एकदम परफेक्ट रहता है। अभी हम इस मार्क को स्ट्रेट कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा 2 इंच नीचे का मार्क कर ले। ये 2 इंच जो है हमारा, ये थाई इंच का मार्जिन है, और ये जो है हमारा ये हिप का मार्जिन है, और इसके बाद ये हमारा जो है घुटने का मार्जिन है। तो मार्क किए, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। दोस्तों हम जींस भी काटेंगे तो सेंटर से ही काटेंगे। तो हमारा थाई है 21.25 इंच, 21.25 इंच में भागा करेंगे 2 का तो आएगा हमारा 10.5 में, एक सूत कम आएगा, एक सूत से भी कम आएगा दोस्तों। तो इसका आधा कर लिए हम, और इसके बाद इसका आधा, 10.5 का और आधा करेंगे हम, तो इसके बाद आएगा हमारा 10.25, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 10.25 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे दोस्तों, देखिए 6.5 पे है सेंटर, तो हम इसका सब जगह से 6.5 पे रख लेते हैं, यहाँ से भी 6.5 पे रख लेते हैं और ये जो मोहरी का है हमारा ये भी 6.5 रख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा घुटना है 15.5 इंच, इसका आधा करेंगे तो हमारा 7.5 इंच, 7.5 इंच आएगा, तो इसका 8.5 इंच में एक सूत कम आएगा, तो 15.5 रख दिए हम। और इसके बाद मोहरी हमारा है 11 इंच, 11 इंच भाग करेंगे 2 में तो हमारा आएगा 5.5, 5.5 आएगा। और इसके बाद यहाँ पे आएगा 2.75, इसमें 5.5 में आधा करेंगे तो 2.75 आएगा दोस्तों। ये भी मार्क कर लिए, अभी मार्क कर जो कर रहे हैं इसको हम राउंड स्केल से शेप मिला लें अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, हम शेप मिला लेते हैं। दोस्तों इतना जो है स्केल, ये हमारा स्ट्रेट स्केल है, अगर चाहते हैं तो इससे भी स्ट्रेट कर लेते हैं और चाहेंगे तो इससे भी हल्का सा करके स्ट्रेट कर सकते हैं। हम इससे स्ट्रेट कर रहे हैं, ये हल्का शेप मिलता है इसलिए हम इससे कर रहे हैं। और इसको दोस्तों हम जो ये राउंडिंग है, ये जो हमारा हिप है, इसको इस तरीके से रखेंगे, ये राउंडिंग लेंगे हम, ये जो राउंडिंग है ये राउंडिंग लेंगे, ऐसा पहले से इसके ऐसा शेप लगा लें। शेप लगाने के बाद अब हमारा कमर है, वेस्ट वेस्ट है हमारा 30 इंच, और इसके बाद हमारा हिप है 34 इंच। तो सबसे पहले हम कमर का रखेंगे। ये जींस है हमारा दोस्तों, तो जींस में मार्जिन तो रहेगा नहीं, सिर्फ दबाव मार्जिन रहता है, तो 30 भागा 4 करेंगे तो 7.5 आएगा।
साढ़े सात पे मार्क कर लिए हैं, आधा इंच मार्जिन में दे दिए हैं। और इसके बाद हिप जो है, ये साथ हिप का, ये हिप साथ है, इसको हम बैक में बताएंगे आपको। अब हम इधर यहाँ से हम स्ट्रेट डेढ़ इंच अंदर ले लेते हैं। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। इसके बाद हल्के हाथ से दोस्तों एकदम अच्छे से गुलाई दे दें, मार्क कर लिए दोस्तों। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधा इंच या पौने इंच डाउन कर दें, ये हमेशा डाउन कर दें, ना गलत हो जाएगा आपका, आगे का बैठेगा नहीं पार्ट। अभी हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आपको अगर सिलाई करने का ख्वाब है कि हम करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा, आप घर बैठे सीख जाएंगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा पॉकेट जो रहेगा, ये राउंड पॉकेट रहेगा हमारा, एकदम अच्छे से गोलाई देते हैं, ये राउंड पॉकेट रहेगा। अब यहाँ पे कुटका हम लगा लें। और ये जो है दोस्तों, यहाँ से राउंडिंग घुमाए यहाँ तक हमारा चैन रहेगा, चैन फ्लाई जो है यहाँ तक ही रहेगा। ये कुटका लगा लें। अभी हम दोस्तों, हमारा ये कटिंग हो गया है आगे का पार्ट, अब पीछे काटते हैं। दोस्तों हम कपड़ा बिछा लिए हैं, अब इसको हम अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस किए रहेंगे दोस्तों तो अच्छा सा आपका कटिंग होगा, कहीं रिंकल नहीं आएगा। तो हम प्रेस कर लिए हैं दोस्तों, तो आगे का पार्ट बिछा ले दोस्तों। इस सेंटर से कटिंग करें, जब भी कटिंग करेंगे, कटिंग जीन्स का हुआ या पैंट का हुआ, तो सेंटर से करें। सेंटर से किए रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका परफेक्ट कटिंग होगा। अब देखिए दोस्तों, सेंटर मिलाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से जो है, यहाँ से फुल ले लें। इसके बाद ये जो मार्क किया था यहाँ पे, देखो 13 आया है, तो यहाँ पे भी 13 आना चाहिए, यहाँ पे भी 13 आना चाहिए, समझो सेंटर हमारा परफेक्ट है। देखिए दोस्तों, हमारा थोड़ा सा कम है, तो इसको हम पीछे हल्का ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 12.5 इंच है, तो इसको और हम पीछे से लेंगे, इसको आगे कर लेंगे। अभी हमारा ये सेंटर 12.5 है, ये भी, ये देखिए ये भी 12.5 है, और ये भी हमारा 12.5 है, ये सेंटर परफेक्ट है एकदम। अभी इस सेंटर के हिसाब से हम, चलो कटिंग के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लगभग 1.25 इंच ऊपर का मार्क कर लें बैक का पहले। इसके बाद ये जो है मार्क, इससे हम हल्का सा डाउन करके मार्किंग करें, और इधर से भी हल्का डाउन से, क्योंकि हमारा जब भी प्रेस करते हैं तो हमारा आगे चढ़ता है कपड़ा। तो हमारा मोहरी था 11 इंच, तो यहाँ से 0.5 इंच मार्क में चल गया सिलाई में, और यहाँ से दाब का सिलाई में चले गया, तो हमारा बचा 5 इंच। देखिए दोस्तों, 5 इंच बचा है। इसके बाद हमारा 11 मोहरी चाहिए, तो 11 इंच पे रख के यहाँ पे मार्क रख के यहाँ पे मार्जिन इतना दे देंगे। यहाँ पे आ गया मेरा मोहरी, यहाँ पे मार्जिन इतना दे दिया। और इसके बाद हमारा 15.25 इंच घुटना था, नी जिसको बोलते हैं, ये राउंडिंग है, और लंबाई बताया था घुटने का 16.5 इंच, तो 16.5 इंच पे है 15.25 इंच। इसका गोलाई बताता हूँ, यहाँ पे दाब का सिलाई जाएगा इतना। अब इसको हम देखिए दोस्तों, 7.25 है, तो 7.25 पे हाथ रख लें ऐसा। इसके बाद हमारा 15.25 इंच घुटना है, तो 15.25 इंच यहाँ पे है, तो 15.25 इंच यहाँ पे मार्क पे रख के, इसके बाद यहाँ पे रखने के बाद, ये रखने के बाद यहाँ पे मार्क कर लें, और इसके बाद 0.5 इंच प्लस कर दें, क्योंकि मार्जिन में जाएगा दोस्तों। और इसके बाद हमारा ये था थाई हमारा है 21.25 इंच। इसके बाद 0.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर ले दबाव के लिए, यहाँ पे भी दबाव के लिए जाएगा दाब। अभी देखिए दोस्तों, हमारा आ गया 9.5 इंच। और इसके बाद 9.5 पे हाथ रख के, 21.25 इंच है, तो 21.25 इंच यहाँ पे है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पे रख लिए। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट कर लें, सीधा कर लें, सीधा करने के बाद यहाँ पे आ गया है, और 0.5 इंच मार्जिन रख लें। अभी ये मार्क को
दोस्तों स्टेट कर लेते, सेव में कर लेते हैं, स्केल फिर से अच्छे से सेव कर लें। दोस्तों आप अगर चाहते हैं तो रखना चाहते हैं तो रख लें, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ना रखें, पर इसमें हल्का सा मार्जिन देंगे कि लूज टाइट कर सकते हैं। हम इतना मार्जिन देता हूँ आप कर सकते हैं। और हमारा कमर था दोस्तों, अब कमर पे चलते हैं, कमर था 30 इंच, तो भागा करेंगे 30 4 में भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा, 7.5 पे मार कर लिए। इसके बाद हमारा जो है इसमें डट आएगा, डट का लगभग 1.25 इंच तक जाएगा, ज़्यादा नहीं, इसमें कम चाहिए क्योंकि स्टार्ट में आता है उतना ही मार्जिन ले। इसके बाद जो है ये हमारा यहाँ से कटेगा, यहाँ से पार्ट अलग होगा, यहाँ से पॉकेट लगेगा, और जितना हम काटेंगे मार्जिन में देंगे, जैसे हमारा आधा आधा इंच आएगा तो 1 इंच आ जाएगा मार्जिन में, तो हम 1 इंच ऊपर प्लस कर देंगे, 1 इंच जो है ये हमारा ऊपर प्लस कर देंगे। इसमें जो ज्वाइंट होगा कपड़ा तो एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको हम 1 इंच ऊपर कर ले लें एकदम अच्छे से। ये मार्क करने के बाद दोस्तों, ये मार्क करने के बाद 1 इंच यहाँ से ऊपर ले लें बैक में इतना, ये लेने के बाद इसको हम अभी देखिए दोस्तों, हम बताए थे आपको 34 इंच हिप था, हमारा हिप 34 इंच था, तो 34 इंच का भागा 4 करेंगे तो हमारा आएगा 8.5 इंच, यहाँ से दाब सिलाई गया और यहाँ से दाब सिलाई गया, देखिए दोस्तों हमारा आ गया 8 इंच पे है। इसके बाद हमारा 34 आएगा, 34 देखिए 17 2 34 होता है, 17 पे मार्क यहाँ पे रख लिए, यहाँ पे रख लिए, रखने के बाद 8 पे रख लिए, तो यहाँ पे मार्क कर लिए। इसके बाद 0.5 इंच हम मार्जिन दे देंगे, ए मार्क, ये जो मार्क किया हूँ ए मार्क से और ए मार्क से स्ट्रेट हम कर लें दोस्तों, ये हमारा कमर के मार्क से और हिप के मार्क से स्ट्रेट करने के बाद आप यहाँ से अच्छे से हल्के हाथ से अच्छे से गुलाई दे दें, यहाँ से हमारा कटिंग हुआ दोस्तों, ये मार्जिन यहाँ पे दे दिया हूँ। अभी दोस्तों हम मार्क कर लिए हैं, अभी इसका कटिंग कर लेते हैं, देखिए दोस्तों हम कटिंग हमारा जेंस का जींस है, कटिंग है, तो आप ध्यान से देखिए और समझिए, अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये सब हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, सब समझाता हूँ बताता हूँ कि आपका ज्ञान आगे बढ़े, कि आप घर बैठे सीख सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कटिंग कर लिए हैं, और इसके बाद दोस्तों देखिए ये जो मार्क किया था, अगर इसको आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, इसको अगर काटना चाहते हैं कैंची तो काट सकते हैं, अगर नहीं काटना है तो आप इसमें भी डायरेक्ट फोल्ड होता है, ये जींस है हमारा, इसमें फोल्ड होता है। इसके बाद यहाँ के नीचे से पॉकेट आता है हमारा, और यहाँ पे अगर चाहिए तो आप डट लगा सकते हैं, नहीं चाहिए तो डट नहीं लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारा कटिंग हो गया है, और इसके बाद हम जींस का दोस्तों, और ये हमारा चैन फ्लाई है, इसमें मार कर लें तो उल्टा सीधा हो जाएगा, इसको अच्छा से सेव कर लें, ये हमारा हो गया है। अभी इसके बाद दोस्तों देखिए हमारा आगे चैन का डिज़ाइन रहेगा जींस में, तो इसके बाद ये हमारा पॉकेट था इतना, ये पॉकेट है हमारा। इसके बाद इतना जो है हम इसमें लूप डालेंगे, यहाँ पे बटन लगेगा, और इसके बाद यहाँ घुटना का जो मार्क किए थे यहाँ पे आएगा, इसमें भी ऐसा ही यहाँ पे भी लूप लगेगा, यहाँ पे बटन आएगा, और इसके बाद यहाँ पे हमारा जींस का स्टेट में लगभग 4-5 इंच तक आसपास चैन आएगा। और देखिए दोस्तों ये अलग पार्ट में, दूसरा पार्ट में हम यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे चैन रख देंगे, और इसके बाद रखने के बाद यहाँ पे हल्का सा हीठे इसके बीच सेंटर से यहाँ से चैन आएगा हमारा यहाँ तक, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा चैन आएगा, ये सब डिजाइन का चैन रहेगा, ऐसा डिजाइन बनेगा चैन से, और यहाँ पे जो है चून का आएगा। दोस्तों हमारा कटिंग पूरा हो गया, अभी देखिए दोस्तों ये पॉकेट का भी मार्क सेव कर ले, और जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे भी रहेगा सेम, और ये जो घुटना है यहाँ पे भी ये लूप हमारा